बड़ी बुलाहट है ना, वो अधिक ताड़ना सहने के लिए भी तैयार रहे। जिसको बड़ी सेवकाई करना है ना, वो बड़ी ताड़ना सहने के लिए भी तैयार रहे। याद रखिएगा, कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, ऐसे नहीं मिल जाता, हंसते खेलते नहीं मिलता। अगर आपकी जितनी बड़ी सेवकाई, आपका जितना बड़ा खुदा से आप मांगेंगे ना, जितनी बड़ी सेवकाई उतना बड़ा समर्पण भी खुदा आपसे मांगता है, और उतना बड़ा आपको सहना भी पड़ेगा, उतना अत्यधिक आपको सहना भी पड़ेगा। याद रखिएगा, खुदा आपको मार मार करके, ठोक पीट कर, सुनो, ठोक पीट करके आपको ऐसा खड़ा बनाएगा जिसमें खुदा क्या अपनी अपनी सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को, अपने वरदान को, अपने जलाल को पानी के रूप में भर सके, ताकि वो पानी आप नहीं भरते तो दूसरों को पिलाने के लायक बन जाए, दूसरों के लिए आशीष के, चंगाई के, छुटकारे का आप कारण बन जाए। लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो मट्टी लेगा, कंकड़ हटाएगा, खूदेगा, पैरों के तले कुचलेगा। मालूम है ना खड़ा कैसे बनता है? पैरों के तरह कुचलेगा, मसलेगा वो आपको, याद रखना। फिर उसके बाद बनाएगा, फिर तोड़ेगा, फिर बनाएगा वो आपको। मूर्ति क्या करते हैं? छेनी लेते हैं, हथौड़ा कट 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 कट, ऐसे कई दर्द से होकर के गुजरना पड़ेगा। जिसकी जैसी सेवकाई वैसा उसका ट्रेनिंग, जिसकी जैसी सेवकाई उसका वैसा ट्रेनिंग। कोई पुलिस की नौकरी में रहता है, मौसी आप समझ रहे होंगे, जब कोई पुलिस की नौकरी में रहता है तो 9 महीने की ट्रेनिंग, कभी कभी वो 15 महीने भी हो जाती है। और मैं देखा हूँ ऐसा, कितनी भयंकर ट्रेनिंग होती है कि कई लोग नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। सही है मौसी? मिलिट्री का मेरा एक दोस्त था, चला गया, ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर सका, वापस आ गया नौकरी छोड़कर। कितने को समझ में आ रहा है? एक सेवक को बहुत सहना पड़ता है। मैं विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ ना, नॉर्मल विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेवक को बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। अगर आप नहीं सह पा रहे तो खुदा बोलेगा रिजाइन दे दे मेरी सेवकाई से, नहीं हो सकता तेरे से। अगर आप दुख में, पीड़ा में खुदा से कुड़कुड़ा रहे हैं, खुदा के सेवकों से कुड़कुड़ा रहे हैं, आप दुख में हैं, तन्हा हैं, अकेले आप, लेकिन कुड़कुड़ा रहे हैं खुदा से और ये कर रहे हैं, खुदा बोलेगा तेरे से नहीं हो सकता, मैंने इसलिए तुझे अकेला किया ताकि तुझे परखूं, इसलिए मैंने तुझे अकेला किया और मैंने तुझे तन्हा के परखूं कि तेरे मन में क्या है। कुछ वचन याद आ रहा है? मेरे पास समय का, मैं वचन नहीं निकालूंगा। आपको मालूम है मूसा को एक बड़ी सेवकाई देने से पहले उसको क्या हुआ? उसकी टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग हुई थी, और प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मैंने तुझे 40 दिन 40 रात तुझे खाने नहीं दिया, मैंने तुझे भूखा रखा, मैंने तुझे अकेला रखा, तन्हा रखा, तुझे भूखा रखा, और तुझे मैंने आशीष नहीं दिया, तब तक के आशीष नहीं दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है। आप मांगेंगे बड़ी सेवकाई, आप मांगेंगे आशीष, आप मांगेंगे सब कुछ, सब कुछ, खुदा बोलेगा आमीन। लेकिन खुदा बोलेगा उसके पहले टेस्टिंग होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या करेगा खुदा मालूम है? आदर सम्मान में आपको नीचे गिरा देगा। आदर सम्मान में गिर जाओगे, हो सकता है सेवकाई में गिर जाओगे, लोगों का विरोध और सताव सहोगे, अकेले हो जाओगे। ये सब खुदा का काम है ना, ट्रेनिंग है ये। अकेले हो जाओगे एकदम कोंटे में, खुदा भी आपको नहीं देखेगा, कलीसिया के लोग भी आपको नहीं देखेंगे। ऐसे सिचुएशन में खुदा बोलता है तेरे मन को अब जांचूंगा मैं, तेरा मन कहाँ लगा हुआ है। प्रभु तुम्हारे को सेवकाई नहीं दिया, कोई प्रभु नहीं है, छोड़ दूंगा प्रभु को, इससे अच्छा तो संसार में था मैं। वो तो वैसा मेरा विरोध करता है, मेरा ऐसा करता है, मेरा वैसा करता है, मेरे को आदर नहीं देता। खुदा आपको परखेगा कि आपके मन में है क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं असली बात ना, मैं आपको बता दूं हमारा असली जो व्यवहार है खुदा के लिए और मनुष्यों के सामने कब प्रकट होता है मालूम है? जब कुछ समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, तब प्रकट होता है। अगर मैं आपसे अच्छा व्यवहार करूंगा तो आप मुझे कहेंगे वाओ हमारा प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैंने डांट डपट कर दिया, थोड़ा वचन की छड़ी लिया और मारना शुरू कर दिया, तब खुदा बोलता है अब मालूम चलेगा ऐसे तुझे कितना प्यार है, तेरे प्रॉफिट से तुझे कितना प्यार है, अब तुझे मालूम चलेगा। खुदा करता है ये काम, मैं नहीं करता, मैं तो कठपुतली हूं उसके हाथ की। मेरे साथ में भी ये हो चुका है। मेरा संदेश क्या है, मैं क्या बोलूं, मेरे साथ में भी ये हो चुका है मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं। लेकिन उस समय में खुदा का धन्यवाद हूं, मैं सच कहता हूं, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। मैं भी तन्हा हो गया था, अकेले गए, आदर सम्मान में गिर चुका था, सेवकाई में गिर चुका था, नया नया तो था, ऐसे ही बैठा था मैं, गिर चुका था, विरोध हो रहा था, सताव हो रहा था मेरा, अकेले खुदा ने मेरे को कुंटे में फेंक दिया था। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, खुदा देखता भी नहीं था मेरे को, कोई दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। एक समय में तो तबाही दर्शन देख रहा था, तबाही भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कोई दर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, भविष्यवाणी बंद, इस
ये नहीं था कि अंदर आता नहीं था, लेकिन अब कहां प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, भविष्यवाणी बंद, सेवकाई बंद, आदर सम्मान गिर गया, सब कुछ गिर गया, अब कहां हूं, अकेले में हूं, रो रहा हूं खुदा के सामने, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आपको बताऊं, एक साल ऐसी स्थिति परिस्थिति में, ऐसी आग में मैं जला हूं, मेरा परिवार विरोध कर, घर में देखो आदर सम्मान नहीं, कलीसिया में देखो आदर सम्मान नहीं, कहीं आदर सम्मान नहीं, रो रहा हूं, एक साल तक मौन धरे हुए खुदा, मौन धरे हुए, कुछ नहीं बोल रहे खुदा, समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा, रो रहा हूं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मैं सच कहता हूं, खुदा यहां पर उपस्थित है, मेरे को याद है, मैंने कभी भी मैंने ये नहीं बोला, प्रभु तेरा सेवक कैसा, तेरा सेवक वैसा, तेरा दास वैसा, तेरी दास वैसी, ते वो कलीसिया ऐसा है प्रभु, नहीं जाना वो कलीसिया में, मुझे दूसरे कलीसिया में जाना है, तेरे पास क्यों आया प्रभु, संसार में ही ठीक था, मैंने कभी नहीं बोला, इसलिए आज यहां पर खड़ा हूं, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि उस समय खुदा मेरे को परख रहा था, मैं केवल इतना ही बोलता था, हाँ प्रभु मेरी गलती, लेकिन समझ में नहीं आती थी मैं गलती क्या कर रहा हूँ, प्रभु बता भी नहीं रहे कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है यार, क्यों चल रहा है ऐसा, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर उस समय में कोई नबी या कोई अगवा होता, इसराइल लोगों पर जब संकट आया, विपत्ति आई, जब दुख आया, जब समस्या आई, वो गए नबी के पास दौड़ते हुए, लेकिन अगर वो हमेशा नबी के साथ में रहते तो नबी समय समय पर उनको करेक्ट करता, समय समय पर नबी उनको बताता, ये मत करो इससे गलत रिजल्ट आएगा, ये करो सही रिजल्ट आएगा, कभी वो परीक्षा में और समस्या में नहीं पड़ते। लेकिन आ गई समस्या, अब भाग रहे नबी की ओर, क्यों, ताकि खुदा हमसे कुछ तो बोले,